में एक पोस्ट है, तो पोस्ट के चारों तरफ एक रस्सी लपेटी गई है, रैप किया गया है, और उसको आपने भी नॉट की स्पीड देके छोड़ दिया है। तो इस तरीके से होगा, इस अगर इसको मैं ऊपर से देखूं तो ये आपको इस तरीके से सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन नजर आएगा, और ये रस्सी जो है वो किसी टाइम पे मान लीजिए ऐसे ऐसे रस्सी पे लपेटी गई है, रैप की गई है इस तरह से रस्सी को, और ऐसे लपेट के यहाँ तक लाया गया है, और पार्टिकल को आपने वेलोसिटी भी नॉट दे दी, वी नॉट दे दिया, और किसी टाइम पे दूरी मान लीजिए आर नॉट है। तो क्वेश्चन में ये पूछता है, और ये इसका एक्सिस है, पोस्ट का एक्सिस है। क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए इस पार्टिकल की स्पीड पे क्या असर पड़ेगा, एंड दूसरा इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस पोस्ट के एक्सिस के अबाउट या इस पोस्ट के सेंटर के अबाउट कैसे बदल रहा है, जो कि इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। तो एक्चुअल में अगर इसके मोशन की एनालिसिस की जाए तो इनिशियली यहाँ पे कुछ समय बाद ना ये कुछ मोशन इस तरीके से हो जाएगा ऐसे, और पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी, इसको मैंने भी लिख लिया, कुछ समय बाद इसका मोशन ऐसे हो जाएगा, वेलोसिटी भी मैंने ऐसे दिखा दिया, इसको भी मैं लिख लिया, इसको भी लिख लिया। तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, अब क्वेश्चन में कि स्पीड पे क्या असर पड़ रहा होगा। चलिए ये पूरा पूरा पोस्ट क्या है, फिक्स है। अगर ये पूरा पूरा पोस्ट फिक्स है तो अगर मैं इस पार्टिकल की एनर्जी की बात करूं कि इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ रहा है, चलिए हम लोग बात करेंगे एनर्जी पे क्या असर पड़ रहा है, एनर्जी पे। तो अगर मैं इस पार्टिकल की कैविटी बनाऊं तो टेंशन टी ऐसे लिखाऊंगा, और ये जो टेंशन टी है इस पॉइंट के से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा होगा, जब पार्टिकल यहां पाएगा तो यही टेंशन आपको इस पॉइंट से पास करता नजर आएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो चूंकि रस्सी टाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइट है, तो मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक रस्सी के हर पॉइंट की वेलोसिटी, रस्सी के डायरेक्शन क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी इधर तो है, बट इस सारे पॉइंट की वेलोसिटी, रस्सी के डायरेक्शन क्या है, सेम है। और दूसरी चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की इस पॉइंट की वेलोसिटी और रस्सी की इस पॉइंट की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगी जिस वक्त कॉन्टैक्ट बना रहा है, क्योंकि जब अगर नहीं सेम होती तो मैं ऐसा तो कह ही सकता हूँ कि अगर ये इस तरीके से है, अगर रस्सी इस तरीके से है, रस्सी अगर ऐसे इस तरीके से ऐसे दिखा रहा हूँ, इस पे रस्सी को अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो इसकी अगर इसकी वेलोसिटी इनकी इनकी आपस में तो सेम ही होगी ना, तो जहाँ पे कॉन्टैक्ट बन रहा है उसकी भी तो वेलोसिटी एग्जैक्टली मैं इस सिलेंडर के बराबर मान लूंगा, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी सेम है। तो अगर मैं इस पूरे पार्टिकल की एबीडी बनाऊँ, इतना इतने बड़े पार्टिकल, इतने बड़े सिस्टम की एबीडी बनाऊँ, इतने बड़े सिस्टम की एबीडी बनाऊँ, और ये पार्टिकल भी है, तो मैं हमारे सिस्टम पे जो टेंशन होगा इस सिस्टम से वही काम करेगा, तो कैसे दिखेगा ये पार्टिकल, ऐसे होगा वेलोसिटी वी नॉट ऐसे दिखेगा, और इस पॉइंट पे टेंशन टी ऐसे दिखाऊंगा। और अगर मैं सही से समझूं तो ये जो पॉइंट है वो इसी सिलेंडर पे लगा हुआ पॉइंट पे कांटेक्ट बना रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी और सिलेंडर की इस पॉइंट की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगी, इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी एग्जैक्टली जीरो है, और इतने के एबीडी में ये जो टेंशन टी होगा उसको मैं यहाँ ना दिखा के टेंशन को यहाँ दिखाऊंगा, तो मैं पूछूंगा बताइए टेंशन वर्क करेगा नहीं करेगा, तो टेंशन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे टेंशन काम कर रहा है उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो इस पूरे सिस्टम पे जो फोर्स काम कर रहा है टेंशन, उसका बर्डन कितना है, जीरो है, और ग्रेविटी फ्री स्पेस से मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो इस पॉइंट पे टेंशन का बर्डन जीरो है। तो इस पूरे सिस्टम पे टेंशन वर्क जीरो कर रहा है, अगर इस पूरे सिस्टम पे टेंशन जीरो वर्क कर रहा है तो ये रस्सी तो मासलेस है, तो ऑब्वियसली कि रस्सी को तो बर्डन मिलेगा नहीं, तो इस पार्टिकल को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम पे टेंशन वर्क जीरो कर रहा है। तो इस पूरे सिस्टम पे टेंशन का बर्डन जीरो है, तो कह सकता हूँ कि इस पार्टिकल पे टेंशन वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब इस पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो इस पार्टिकल की एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, इस बात को, इसका मतलब कि जो मैं इसमें कमेंट करूंगा वही कहूंगा कि V1, V2 और V0 आपस में क्या होगा, बराबर। तो हर वक्त ये वेलोसिटी बराबर होगी, क्योंकि टेंशन का बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि टेंशन जिस पॉइंट पे काम कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, जीरो है इसके सिस्टम में। अच्छा, ये ऐसे ही नहीं, इसको मैं कॉमन सेंस से भी समझ सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं इस सिलेंडर को और इस पार्टिकल को एक सिस्टम में ले लूँ, तो इसमें क्या होगा कि इस सिलेंडर को कोई पर्सन अपने हाथ से पकड़ के रखेगा ताकि वो इधर भागने जाए, इसको अपने हाथ से पकड़ के रखे, तो अगर एबीडी बनाई जाए इस पूरे सिस्टम को तो ये दिखेगा, प्लस
इस तरीके से पार्टिकल्स। फिर इस अगर एफबीडी बनाए सिस्टम पे, तो इसके सिस्टम के एफबीडी में इसको पकड़ के एक, अब यहाँ पे टेंशन टी ऐसे काम करेगा, इस सिस्टम पे टी ऐसे काम करेगा, तो इसको रोकने के लिए कोई पर्सन टी ऐसे लगा रहा होगा, कोई टी ऐसे लगा रहा होगा इस तरीके से, ताकि कुछ इसका टार कैसे होगा तो कुछ ऐसे लगाएगा टी, कुछ ऐसे टी लगाएगा जिसके वजह से ये ना घूमे ना भागे, एफ लगाएगा। तो चूंकि अगर पूरे सिस्टम पे वर्डन की बात करें, तो वर्डन ये जो रस्सी का टेंशन है इसका वर्डन क्या है, जीरो, क्योंकि इंटरनल फोर्स की तरफ से काम कर रहा है। और रस्सी अगर टाइट है तो इंटरनल टेंशन का वर्डन क्या आएगा, जीरो। तो टेंशन का वर्डन जीरो हो गया, इंटरनल टेंशन का वर्डन जीरो हो गया, एन प्लस इस फोर्स का वर्डन भी जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेंडर भाग नहीं रहा है। तो इस पूरे सिस्टम पे नेट वर्डन क्या है, नेट वर्डन जीरो है। तो नेट वर्डन ऑन दिस सिस्टम इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो जो फाइन, अब ये तो जीरो आ गया, तो फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी बराबर होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ पार्टिकल के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि सिलेंडर तो भाग नहीं रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकती, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, वी वन जो है वो वी नॉट बराबर रहेगी, वी टू भी नॉट बराबर रहेगी। तो इट इज ऑलवेज वी वन इक्वल्स टू वी टू इक्वल्स टू वी नॉट। तो मैं सिस्टम से भी समझ सकता हूँ, और चूंकि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये आई वायर की तरफ से काम कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी जीरो है, अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो टेंशन का वर्डन जीरो आएगा। अगर टेंशन का वर्डन जीरो आ गया, इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो सकता। तो पहला कमेंट हम कर सकते हैं कि इस पार्टिकल की एनर्जी विल नॉट चेंज, तो एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, तो स्पीड भी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो क्यों, तो फर्स्ट कमेंट हमने किया एनर्जी पे कि एनर्जी पार्टिकल की कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जो पार्टिकल पर वर्क करे और उसकी एनर्जी को बढ़ा दे। ओके, अब बात करेंगे थोड़ा एंगल के विषय में बात करेंगे। एक्चुअली इसका मोशन जब भी हो रहा होगा ना इस तरीके से, अगर आप सही से समझे इसका मोशन को, तो वेलोसिटी वी नॉट ऐसे दिखेगा, और टेंशन को हर हाल में पता है कैसा बनना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनना पड़ेगा। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तभी तो जाके ये टेंशन इस पार्टिकल पे वर्क नहीं कर पाएगा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी तो। तो इस मोशन में क्या होगा, इस मोशन में कि टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो धीरे धीरे ये रस्सी इस पे रैप होती जाएगी और बाद में इस पोस्ट से टकरा जाएगी, और हमेशा उसकी स्पीड क्या रहेगी, वी नॉट रहेगी, और टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम पे क्या असर पड़ेगा, जो कि इस सेंटर पोस्ट के सेंटर वर्ड में बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस पोस्ट के सेंटर वर्ड बात करूँ कि एंगुलर मोमेंटम में क्या असर पड़ेगा, तो चूंकि ये जो पार्टिकल है उस पर टेंशन ऐसे काम कर रहा है, तो टेंशन का जो टॉर्क बनेगा वो टॉर्क इस सेंस में आएगा, क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, क्योंकि टी ऐसे है और सेंटर इधर है, तो पोजिशन वैक्टर ऐसे बनेगा इसका, पोजिशन वैक्टर ऐसे बनेगा, तो ऐसे घुमाने का सेंस है टॉर्क का। तो टॉर्क का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है, जबकि एंगुलर मोमेंटम का इनिशियल सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब कि इसका एंगुलर मोमेंटम ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो ग्रेजुअली एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज कर रहा होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि टॉर्क का जो सेंस है वो, टॉर्क का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि एंगुलर मोमेंटम का सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो कन्फर्म है कि अगर ऐसा कंडीशंस है तो एंगुलर मोमेंटम को कम होना ही पड़ेगा, तो धीरे धीरे इस पार्टिकल का मोमेंटम कम हो रहा होगा। ऐसे ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस से भी आप भी समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो वी नॉट ऐसे होगा, और सेंटर से उसकी दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, और दूरी जब कम होगी तो मैं कह सकता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कम हो रहा होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या होगा, एक बार फिर मैं लास्ट बार कमेंट कर दूं कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का डिक्रीज होगा अनटिल इट स्ट्राइक टू द पोस्ट, एंड थर्ड पॉइंट जो कमेंट कर सकता हूं कि टेंशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी सो दैट इट कैन नॉट वर्क ऑन पार्टिकल्स। ओके,